तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का इन्फॉर्मेट एजुकेशन में। सो गाइस मेरा नाम है रोहित प्रजापति और आज हम बात करने वाले हैं BFA के बारे में, मतलब बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के बारे में। बहुत सारे बच्चे आप में से 12th कंप्लीट कर चुके होंगे या करने वाले होंगे, और अगर आप चाहते हो फ्यूचर में करियर अपना बनाना आर्ट्स रिलेटेड फील्ड में, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके मतलब का। इस कोर्स के बारे में हम काफी डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लेट्स गो। सो देखो, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, ठीक है, नाम से आपको सारी चीज़ें क्लियर है कि आपको आर्ट्स रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा फाइन नॉलेज आपको पढ़ने को मिलने वाली है, ठीक है। तो ये कोर्स जो है 3 से 4 साल का होता है, डिपेंड करता है बाकी आपकी स्पेशलाइजेशन के ऊपर भी, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, 12th के बाद जो भी कोर्स होते हैं ज़्यादातर उसको हम अंडर ग्रेजुएट ही कहते हैं। स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं, देखो कई तरह की स्पेशलाइजेशन है, इसमें आपको अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरह की चीज़ों में आप पढ़ाई कर सकते हो और प्रैक्टिकल तौर पर भी आप नॉलेज ले सकते हो, जैसे कि पेंटिंग, अप्लाइड आर्ट्स, प्लास्टिक आर्ट्स, पॉटरी एंड सिरेमिक। पॉटरी समझ गए ना, जो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनते हैं, ठीक है। सिरेमिक से रिलेटेड चीज़ों में जो काम होता है वो, टेक्सटाइल डिज़ाइन, म्यूजिक, ड्रामा, थिएटर, डिजिटल आर्ट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी स्पेशलाइजेशन में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो जिसमें आपको ज़्यादा पसंद है या फिर जाना चाहते हो, उस चीज़ में आप पढ़ाई कर सकते हो। एलिजिबिलिटी की बात करें, देखिए आपकी ऑब्वियसली बात है 12th कंप्लीट होनी चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स, बाकी कॉलेज टू कॉलेज भी डिपेंड करता है, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम भी हो सकते हैं, कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, बाकी मेरिट लिस्ट भी वहाँ पे लग सकती है, ठीक है। जॉब्स की बात करें, किस तरह की जॉब मिलेगी, तो जॉब देखो आपकी जो स्पेशलाइजेशन आप करते हो ना उसके हिसाब से अलग अलग फील्ड होते हैं, उसके हिसाब से अलग अलग टाइटल्स मिलते हैं। लेकिन कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हमने मेंशन कर रखे हैं, मल्टीमीडिया आर्टिस्ट, आर्ट डायरेक्टर, राइटर, पेंटर, ग्राफिक डिजाइनर, ये सारे तरह की आपको जॉब्स मिल सकती हैं। बाकी और भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं, उसका जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, मुद्दे की बात करते हैं, सब्जेक्ट्स कौन सी हैं आपको पढ़ने को मिलेंगे। ये देखो कुछ हमने एग्जाम्पल के तौर पर आपको वो लगा रखे हैं, बाकी आपके जो स्पेशलाइज हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, उसके भी सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लेना कौन कौन टाइप के आपको सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। बाकी ये हिंदी इंग्लिश कॉमन रहेगा, पंजाबी, कल्चरल लैंग्वेज, हिस्ट्री, है ना, ये सारी चीज़ें आपको कॉमन रहते हैं। बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, जो आप पढ़ने वाले हो फाइन आर्ट्स या कल्चरल रिलेटेड चीज़ें पढ़ोगे तो उसमें कंप्यूटर से कैसे आप चीज़ें इन्वेंट कर सकते हो, नई चीज़ें बना सकते हो, उसके हिसाब से भी आपको पढ़ाया जाता है। कम्युनिकेशन, ठीक है, डिजाइन एंड कम्युनिकेशन प्रैक्टिस, ह्यूमन वैल्यूज, प्रोफेशनल मार्केट रिसर्च, मॉरल, विजुअल ग्राफिक्स, है ना, ये सारी तरह की आपको चीज़ें पढ़ने को और समझने को मिलती है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, देखो कम्युनिकेशन स्किल्स, दुनिया में आप किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हो, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि देखो अगर आप अपनी बात को सामने वाले को समझा नहीं पाओगे, कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे अच्छे से, तो ये बहुत दिक्कत आ जाती है। इसीलिए सक्सेस होने के लिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा जरूरी है बाकी चीज़ों के साथ साथ, ठीक है। इनकम की बात करते हैं, भैया पढ़ाई वढ़ाई तो हो गई, अब पैसे कितने कमा सकते हो। देखो पैसे मिनिमम मतलब ये नहीं कि आप ही मिनिमम इतना लोगे, मिनिमम कहीं से भी शुरू हो सकता है, आपका 6 लाख से भी, 7 लाख से भी, लेकिन मिनिमम 3 लाख पर एनम है, इतना तो आप कमा लोगे आराम से, ठीक है। बाकी जो मैक्सिमम की लिमिट नहीं होती, हमेशा मैं यही मानता हूँ कि जो मैक्सिमम है ना उसकी कभी लिमिट नहीं होती है, वो जितना चाहे कमाया जा सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके आइडिया के ऊपर डिपेंड करता है, आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मिनिमम 3 लाख पर एनम कम से कम इतना मिल जाएगा आपको, बाकी हाईएस्ट की लिमिट ही नहीं है, जितना चाहे उतना जा सकते हो। 6 लाख से भी स्टार्टिंग हो सकती है, 10 लाख से भी हो सकती है, 20 लाख से भी हो सकती है, करोड़ों से भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है अगर आप खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेते हो तो, ठीक है। तो गाइज आशा करता हूँ इस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिल गई होगी। ऐसी ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट की हमारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जरूर देखें, बहुत कुछ उसमें जानने को और समझने को है। और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।